सारे लोग इसके टूरिज्म को छोड़ छोड़ करके जा रहे। हुड्डा से भी रोज ये बात इसलिए करवाई जाती है भाजपा की तरफ से ताकि लोगों में एक भ्रम पड़ा रहे। जैसे लोकसभा का चुनाव हो जाएगा आप देखना, इड्डी वाले उठा के अंदर ठोकेंगे इसको सीधा ले जाएगा। यहाँ इन लोगों ने षड्यंत्र के तहत चौटाला साहब को 10 साल की कैद करवाई। चौटाला साहब तो काटे, ये लोग अपना वक्त कैसे गुजारेंगे? इस सरकार ने जो कोई वायदे किए उनको पूरा करने के बजाय लोगों के सामने दिक्कत और कठिनाइयां खड़ी करी है। जहाँ सरकार से दुखी है वहीं हुड्डा का भी असली चेहरा लोगों के सामने है। जो रोजाना चाहे वो असेंबली का सेशन हो चाहे असेंबली के बाहर की बात हो, भारतीय जनता पार्टी अपने इशारे पे जिस तरीके से उसको चलाती है, आप ये देखो आज तक इसलिए ईडी ने कहीं छूट दे रखी थी कि लोकसभा के चुनाव तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भाजपा ने यूज करना है, और ये कह करके एक इस पे प्रेशर बना रखा है कि रोजाना एक बयान जरूर दो आप कि हम 10 की 10 अकेले लड़ेंगे। हुड्डा से पूछने वाला उसके पास कौन चल के गया था, किसने जाकर के उससे बात करी कि भाई तू किसी और भी पार्टी के साथ मिलकर के इस बात को आगे बढ़ा ले? ना तो हम इंडिया गठबंधन के पहले दिन से पक्ष में थे और ना ही हमने कभी ये बात कही, क्योंकि हम इस बात को पहले दिन से जानते थे कि कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं रीजनल पार्टियों को कमजोर करके अपनी ताकत बढ़ाएगी इस गठबंधन में शामिल होकर। सारे लोग इस गठबंधन को छोड़ छोड़ करके जा रहे। हुड्डा से भी रोज ये बात इसलिए करवाई जाती है भाजपा की तरफ से ताकि लोगों में एक भ्रम पड़ा रहे। जैसे लोकसभा का चुनाव हो जाएगा आप देखना, ईडी वाले उठा के अंदर ठोकेंगे इसको सीधा ले जाएगा, फिर एक दिन बाहर नहीं रहेगा। यहाँ इन लोगों ने षड्यंत्र के तहत चौटाला साहब को 10 साल की कैद कटवाई। चौटाला साहब तो काटे, ये लोग अपना वक्त कैसे गुजारेंगे, कैसे उस समय का सामना करेंगे जो इन्होंने गलत कार्य किए? आज लोग कांग्रेस से भी जितने भाजपा और इस जेजेपी से दुखी है उतना ही कांग्रेस से भी लोगों का विश्वास उठता जा रहा है लगातार, क्योंकि कांग्रेस भी ग्रुपों में फंसी हुई है। कांग्रेस के लोग जो है जिनका अब तक संगठन नहीं है वो सरकार बनाने की बात करते हैं। 10 लोकसभा के जिनके पास उम्मीदवार नहीं है वो कहते हैं 10 की 10 जीत जाएंगे। कांग्रेस के खुद के नेताओं के बयान हैं वो ये कहते हैं कि 10 तो बहुत दूर की बात है, 1 सीट भी बिना संगठन के बिना नहीं जीती जा सकती। आज अगर संगठन किसी पार्टी का सबसे बड़ा है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।